दोस्तों, एक बार फिर से दिल्ली की जंतर मंतर पर आज एक बार फिर अस्थायी तौर पर बंद हुए जेट एयरवेज के कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। जेट एयरवेज के बंद होने से करीब 22,000 लोग बेरोजगार हो गए हैं। प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों ने पीएम नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई है। बता दें कि जेट एयरवेज के हजारों कर्मचारियों को 6 महीने तक की वेतन नहीं मिला है। जेट एयरवेज के कर्मचारियों ने गुरुवार को भी जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था। इस दौरान कर्मचारियों ने कहा था कि वह प्रदर्शन नहीं, प्रार्थना कर रहे हैं कि जेट एयरवेज एक बार फिर उड़ान भरने लगे और इसमें काम करने वाले हजारों लोगों को मेहनताना मिलने लगे। कर्मचारियों की मदद के लिए सोसाइटी फॉर वेलफेयर ऑफ इंडियन पायलट ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। इसमें कहा गया है कि जेट एयरवेज के बंद होने से पीएम मोदी का वो पूरा सपना पूरा नहीं होगा जिसमें वो हवाई चप्पल वाले यात्रियों को हवाई सफर कराना चाहते हैं। जेट एयरवेज लगभग 8,500 करोड़ रुपए के कर्ज में डूबी हुई है। कंपनी ने बुधवार रात 12 बजे से अपनी सारी सेवाएं अनिश्चित समय के लिए बंद कर दी है। इसके पीछे जेट एयरवेज ने कहा है कि उसे फ्यूल और अन्य सुविधाएं जुटाने के लिए पैसे की कमी हो रही है। इसके बाद कंपनी ने यह निर्णय लिया है। दोस्तों, ये मेरे वीडियो को पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।